धर्म स्नेही बंधुओं, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभनाथ, इस अवसर्पणी काल में प्रथम तीर्थंकर के पंच कल्याणक अयोध्या नगरी में हुए। प्रथम तीर्थंकर का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। अयोध्या से कोई अपरिचित नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह शाश्वत नगरी है। 24 तीर्थंकरों का जन्म हर काल में उसी अयोध्या में होता है। और ये अयोध्या केवल भारत क्षेत्र में नहीं है, ये ऐरावत क्षेत्र में भी है, ये विदेह क्षेत्र में भी है, और वहां भी इसका नाम अयोध्या है। अयोध्या योद्धा, युद्ध करने वाला, अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं होता है, इसे अवध भी कहते हैं। अवध, वध यानी मारना, अवध यानी जहाँ किसी को मारा नहीं जाता है, अवध। ऐसी अयोध्या में प्रभु आदिनाथ का जन्म हुआ। पंच कल्याणक हुए, गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया, तप कल्याणक मनाया। माता मरुदेवी और पिता नाभि राय, है ना, नाभि राय, नाभि जानते हो, अरे बोलिए ना, जानते हो ना, नाभि से ही माता के द्वारा भोजन बच्चे को प्राप्त होता जब वो गर्भ में होता है। फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो फिर उस नाभि को, क्योंकि इतनी लंबी होती है, उसको लटका के सारी जिंदगी थोड़ी घूमेंगे, है ना, तो नाभि को काट दिया जाता है। तो भगवान आदिनाथ के जन्म लेने, नाभि राय के जन्म लेने से पहले इस धरती पर भोग भूमि थी। तीन काल, प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल में भोग भूमि थी। वहाँ बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, और जैसे ही बच्चों का जन्म होता है, माँ को जम्हाई आती है, पिता को छींक आती है, और दोनों की मृत्यु। बस इतना ही कष्ट है जितना जम्हाई लेने में और छींक आने में कष्ट है, इतना ही कष्ट भोग भूमि में मृत्यु का कष्ट है। और अभी पंचम काल में किसी की आंखें बाहर आ जाती हैं, किसी की जीभ बाहर आ जाती है, कोई अकड़ जाता है, कितना, कितनी वेदना है, बहुत वेदना है मृत्यु की, इसलिए वो लोग बहुत डरते हैं मरने से। तो नाभि जब आई और माता पिता जिंदा रहे, उनकी मृत्यु नहीं हुई क्योंकि काल परिवर्तन चल रहा था, अब नाभि देख के तो वो डर गए। तब उन्होंने नाभि को काटने की शिक्षा दी, इसलिए उनका नाम पड़ गया नाभि राय, ठीक है। और इसके पहले के और जो 14 कुलकर्त हुए, तो उन कुलकरों में किसी ने सूरज दिखने लगा क्योंकि पहले रत्नों का प्रकाश था, तो उसको शिक्षा दी, किसी ने जानवरों की शिक्षा दी, किसी ने, ऐसे सभी ने बताया काल परिवर्तन के समय में। फिर आदिनाथ प्रभु का जन्म हुआ, तो उस समय आप जब आदिनाथ जी का पंच कल्याणक हुआ होगा तब तो आपने देखा होगा असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प की शिक्षा प्रभु आदिनाथ ने दी थी। उसके पहले इस दुनिया में व्यापार नहीं होता था, उसके पहले मकान नहीं बनाए जाते थे, उसके पहले ये पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, उसके पहले 1 2 3 4 की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि व्यापार करो तो नोट गिनने की ज़रूरत है, जब व्यापार ही नहीं करना तो फिर किस बात के गिनती करना, किसको गिनना है फिर, तो पहले गिनती की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आराम से सुखपूर्वक सारा जीवन जिया जाता था। तो जब कल्प वृक्ष जाने लगे और लोग भूख से तड़फने लगे, तब वो भगवान आदिनाथ के पास गए, प्रभु भोजन, ये कल्प वृक्ष भोजन नहीं दे रहे, ये कल्प वृक्षों से पहले भोजन मांगते थे, ये देते थे, अब नहीं दे रहे हैं। तब फिर प्रभु ने कृषि की शिक्षा दी,
अस्सी यानी तलवार चलाने की शिक्षा दी, मसीह यानी लिखने की शिक्षा दी, विद्या यानी पढ़ने की शिक्षा दी, वाणिज्य यानी व्यापार की शिक्षा दी, और शिल्प यानी ये मकान बनाना और जो कारीगरी करना इसकी शिक्षा दी। इस तरह प्रभु आदिनाथ ने और वो शिक्षा अपने 100 पुत्रों को दी, ब्राह्मी और सुंदरी को भी दी। ब्राह्मी लिपि नाम सुना आपने, ब्राह्मी लिपि यानी एक तरफ ब्राह्मी बैठी, एक तरफ सुंदरी बैठी, उनकी दो पुत्रियाँ थी, है ना। तो ब्राह्मी इस हाथ से उन्होंने सिखाया ब्राह्मी। तो जो अपन लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि अपन हिंदी लिखते तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, और गणित होते तो इकाई दहाई सक यहाँ से शुरू करते हैं। तो जो सुंदरी थी वो इस साइड बैठी थी तो उन्होंने यहाँ से सिखाया, और ब्राह्मी जो है वो इस साइड बैठी थी तो उन्होंने यहाँ से सिखाया, क्योंकि उनके तो ये पावरफुल था, इनका तो बहुत अच्छा चलता था, तो यहाँ से सिखाया। इसलिए हिंदी जो है, इंग्लिश हिंदी कोई भी यहाँ से लिखा जाता है, और गणित जो है वो पीछे से शुरू किया जाता है। ध्यान दिया ना आपने, ये उस समय से ही शुरू हुआ है। तो भगवान आदिनाथ, दोनों कन्याएं, दो पुत्रियाँ थी, वैसे तीर्थंकर की पुत्रियाँ नहीं होती हैं, लेकिन हुंडाव सर्पणी काल के कारण से तीर्थंकर की पुत्रियाँ हुई। एक दिन पुत्रियों ने पूछा, पिताजी आप किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ते हो, लेकिन कौन ऐसा है कि जिसके सामने आपको हाथ जोड़ना पड़े। बोले बेटा, तेरी शादी जिससे होगी ना उनके सामने जोड़ना पड़ेगा। लेकिन बेटियाँ भी बेटियाँ थी, तीर्थंकर की बेटियाँ थी। बोले पिताजी, आज हम संकल्प लेते हैं कि हम अखंड ब्रह्मचर्य धारण करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे कि हमें अपने पिता के हाथ किसी के सामने जुड़वाना पड़े। और आजकल की बेटियाँ कितना रुलाती हैं, कितना तड़फाती हैं, कितना तड़फाती हैं, कभी भाग जाती हैं, कभी गलत काम करती हैं, कभी बताती नहीं हैं, शादी भी कर लेती हैं, और माँ बाप जो है मछली की तरह तड़फते हैं। अरे बेटियाँ हों तो ब्राह्मी सुंदरी जैसी हों कि मेरे पिता का सर किसी के सामने ना झुके। प्रभु आदिनाथ के समय में एक ही परिवार में बहुत सारे महापुरुष उत्पन्न हुए, दो तीर्थंकर के समय में हुए, एक नैमिनाथ के समय में और एक आदिनाथ जी के समय में। आदिनाथ तीर्थंकर, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली कामदेव और मारीचि आने वाला तीर्थंकर। पता तो चली गया था कि भगवान महावीर बनेंगे, तो वो भी तीर्थंकर की श्रेणी में था और उन्हीं के परिवार में उत्पन्न हुआ था। वो बात अलग है कि फिर अंत में आना था तो बीच में उतने भाव उन्हें पूर्ण करने पड़े, भटक भटक के कहाँ भटकते रहे वो बात अलग है। लेकिन एक ही परिवार में चार, कितने, भरत चक्रवर्ती, कामदेव तीर्थंकर और एक और तीर्थंकर, ठीक है, चार महापुरुष। और नैमिनाथ के समय में नैमिनाथ तीर्थंकर, कृष्ण अर्धचक्री नारायण और बलराम बलदेव ये दोनों होते हैं, बलराम और नारायण साथ ही रहते हैं, ये भी महापुरुष में ही आते हैं, ठीक है। और उनके पुत्र प्रद्युम्न, कामदेव, चार महापुरुष एक ही घर में ही जन्म लिया है ना, बस पुण्य है। अब यहाँ तो क्या हो रहा है, एक ही घर में कैसे लोग जन्म लेते हैं कि सारी जिंदगी नमो हिंताड़म और नमो सिद्धाड़म नमो हिंताड़म, वो उसकी ना माने, वो उसकी ना माने, वो उसकी ना सुने, वो उसकी ना सुने। अरे जीने के लिए प्रेम की ज़रूरत है, किसी को ना धन की ज़रूरत है, ना किसी को सोने चांदी की ज़रूरत है। जिस घर में प्रेम है बस उसके घर में सुख है, और जिस घर में प्रेम नहीं है उस घर में सुख नहीं है। कभी सोने चांदी के पीछे मत लड़ना, कभी घूमने के लिए मत लड़ना, कभी साड़ियों के लिए मत लड़ना, कभी मकान के लिए मत लड़ना। ये तो आज हैं और कल नहीं हैं, और यदि हमारे चले गए तो वो कहाँ से दोबारा मिलेंगे। बिना प्रेम के जीना बड़ा मुश्किल है, बिना सोने चांदी के जिया जा सकता है, बिना मकान के भी जिया जा सकता है, हैं, बिना
गाड़ी के भी जिया जा सकता है, मगर बिना प्रेम के नहीं जिया जा सकता है। इसलिए अपने परिवार वालों से इतना प्रेम करना कि वो कहें कि नहीं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। ऐसा ना हो कि वो कहें कि तेरे साथ में मजबूरी में रहना पड़ रहा है, अब बच्चे हो गए हैं, पालन पोषण करना है, इसलिए रहना पड़ रहा, वरना हम नहीं रहने वाले थे तेरे साथ में। ऐसी जिंदगी मत जीना। यदि आपने ऐसी जिंदगी जी कि हमें तुम्हारे साथ मजबूरी में रहना पड़ रहा, तो समझना आपको जिंदगी जीना नहीं आया। और सामने वाला कह रहा है नहीं पीहर मत जाना, तुम्हारे बिना काम नहीं चलता है मेरा, तो समझना जिंदगी वास्तव में आपने जी है। और वो कहे कब वो दिन आए कि ये अपने पीहर जाए शांति मिले, चार दिन की सारे दिन टें 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 टें। अरे बोलिए ना, है धर्म का यही फल है कि धर्म शांति देता है, धर्म प्रेम बढ़ाता है, धर्म अपनत्व भी सिखाता है, धर्म वात्सल्य भाव सिखाता है। ये धर्म का फल है। यदि आपने धर्म किया है और आपके अंदर ये सारी बातें आई हैं, तो समझना आपने धर्म किया है। और ये बातें नहीं आई हैं, तो समझना भी आपने धर्म नहीं किया है। तो प्रभु आदिनाथ के समय में ही, आदिनाथ के समय में ब्राह्मी और सुंदरी ने क्या काम करके दिखाया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु का गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, दीक्षा कल्याणक भी अयोध्या के पास वाले वन में मनाया गया। और दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए राजा भी आए, बहुत सारी प्रजा भी आई, और स्वर्ग के देवता भी आए। अब स्वर्ग के देवता कहते हैं कि प्रभु पालकी में बैठो, आपकी पालकी उठाकर हम ले जाएंगे। मनुष्य कहते हैं नहीं नहीं, पालकी हम उठाएंगे। दोनों में झगड़ा हो रहा है। अब झगड़ा हो रहा है, क्या करें। बोले दीक्षा कल्याणक हम मनाएंगे, वो कहे हम मनाएंगे। अब दोनों बोले तुमने गर्व मना लिया, जन्म मना लिया, अब एक तो मुझे मना लेने दो। अब गए प्रभु के पास में, प्रभु हम लोगों में झगड़ा हो रहा है, क्या करें। पहले पालकी वो कहते मैं उठाऊंगा, वो कहते मैं उठाऊंगा, क्या करें प्रभु। प्रभु ने कहा जो मेरे जैसे संयम को धारण कर सकता है पालकी वो पहले उठाएगा। रत्न बरसाए देवों ने, भोजन भेजा देवों ने, गुड्डा गुड़िया बन के, खेल खिलौना बन के प्रभु का मनोरंजन किया देवों ने, लेकिन जब जहां संयम का नंबर आया तो वहां पहले मनुष्य को रखा गया। यदि आप भगवान आदिनाथ के भक्त हैं तो कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी को एक आसन तो करना ही चाहिए। कम से कम जो तीनों अष्टानी का पर्व, तीनों दशलाक्षणी आती हैं, उनमें कम से कम बाजार का भोजन तो छोड़ना ही चाहिए। और जो अष्टमी चतुर्दशी है, हर घर में शुद्ध भोजन तो बनना ही चाहिए। कम से कम इतना भी संयम आपने अपने जीवन में लाया तो ये आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मानसिक संयम, वाचनिक संयम, कायिक संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, प्राणियों की रक्षा करना प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, अपनी इंद्रियों पर विजय करना कि जो इंद्रियां मांग रही है वो नहीं देना, अपनी इच्छाओं को वश में करना कि नहीं हमें अपनी ये इच्छा को कंट्रोल करना है, ये मुझे बहुत परेशान करती है, ये संयम। यदि आप भगवान आदिनाथ के भक्त हैं तो कम से कम इतना तो आपको करना ही चाहिए। नहीं नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी बुराई नहीं कर रही मैं। फिर दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए पहले पालकी देवों ने उठाई, थोड़े दूर तक चले, फिर देवों ने अपने हाथ में ले ली और फिर वो वन में भगवान को लेके गए। वहाँ ले जाकर के एक स्फटिक मणि की शिला का इंद्र ने वहाँ निर्माण किया और उस पर भगवान बैठे, और उस पर बैठ के भगवान ने पंच मुष्टि केस लॉन्च किए। कितने? दो सामने, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार बीच में। आप उनका संघनन देखिए, पंच मुष्टि केश लॉन्च, पांच मुट्ठी में सिर के पूरे बाल उखाड़ दिए। सबसे पहले सहन शक्ति, यहाँ तो दो दो बाल, धीरे धीरे चार घंटे लग रहे, दो घंटे लग रहे, तीन घंटे लग रहे, धीरे धीरे करते हैं, वहाँ पांच बार में पूरे बाल साफ। और एक भाव नहीं,
कई भवों की तपस्या होती है। कोई ऐसा नहीं कि हम यहाँ आज बैठे हैं और कल तीर्थंकर बन गए, ना, कई भवों की तपस्या होती है तब कहीं जाके तीर्थंकर बनते हैं, तब कहीं जाके ये सारे कार्य होते हैं। और उसके पश्चात फिर दीक्षा, भगवान तो ध्यान में लीन हो गए, साथ में 4000 राजाओं ने और दीक्षा ली। अब उन्हें तो पता नहीं था कि भाई दीक्षा लेने के बाद क्या करना है, प्रभु के तो संस्कार पुराने थे। तो बाकी राजा खड़े, अब वो देख रहे आँख खोली कि नहीं खोली, अभी तो खड़े हैं, चलो वो भी आँख बंद करके फिर खड़े हो गए। फिर देखा, अब उन्हें ध्यान करना तो आता नहीं था, अब उन्होंने देखा कि ये तो उठ ही नहीं रहे हैं और हमें तो भूख लग रही है, तो धीरे धीरे एक एक करके खिसकने लगे, कोई जाके पानी पीने लगा, कोई जा करके कुछ करने लगा, क्योंकि हाँ संयम नहीं था और पता भी, ज्ञान भी नहीं था कि कैसे संयम का पालन किया जाता। आज तो हम लोगों को बहुत ज्ञान है कि संयम का पालन कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए, उस समय तो कुछ भी नहीं पता था उन्हें, कुछ भी ज्ञान नहीं था। फिर वन देवता ने डांटा कि भाई आप लोगों को यदि ये सब करना है तो आप अपने घर जाइए, लेकिन घर नहीं जा सकते, भरत चक्रवर्ती है, वो वहाँ सजा दे देगा। तो वो वहीं अपने वन में ही रह के फिर कुछ और करने लगे। फिर 6 महीने का जो भगवान का उपवास का काल था, जो उनका 6 महीने का उन्होंने धारण किया था कि 6 महीने के पहले ध्यान नहीं खोलूँगा, तो इस तरह से उन्होंने 6 महीने तक ध्यान किया। फिर 6 महीने आहार नहीं मिला, 6-7 महीने फिर आहार नहीं मिला, फिर आहार हुआ, फिर उसके बाद फिर मौन हो गए, फिर ध्यान में लीन रहे। कितने समय तक? 1000 वर्ष तक। कितने समय तक? तो भगवान ने, भगवान के चारित्र को कहते हैं वर्धमान चारित्र। कौन सा चारित्र? भगवान तीर्थंकर जो दीक्षा लेते हैं उनका वर्धमान चारित्र होता है। और वर्धमान चारित्र का मतलब होता है कि यदि उन्होंने जैसे दीक्षा लेने के बाद 6 महीने के उपवास किए हैं, तो अब अगले बार वो 6 महीने से ज़्यादा ही उपवास करेंगे, कम नहीं करेंगे। इसको कहते हैं वर्धमान चरित्र। जैसे किसी ने एक दीक्षा ली, एक उपवास किया, अब वर्धमान चरित्र वाला होगा तो वो 2 उपवास के बाद ही आहार लेगा, वो 1 उपवास के बाद आहार नहीं लेगा, फिर वो 3 उपवास के बाद आहार लेगा, फिर वो 4 उपवास के बाद आहार लेगा। तो 1000 साल में भगवान ने कितने उपवास किए होंगे? गिनती है, मुश्किल से 20-25 हुए होंगे। कितने हुए होंगे? हैं 6 महीने 1 साल में 2 बार, है ना? तो 1000 साल में 20 बार, हम 20-25 आहार हुए, ज़्यादा आहार नहीं हुए हैं। और वैसे तो उन्हें आहार की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन प्रथम तीर्थंकर हैं, उन्हें ये धर्म का प्रवर्तन करना है, लोगों को सुख सिखाना है, वो अपने लिए आहार करने नहीं जाते थे, जो और मुनिराज बने हैं तो उनको भी आहार मिले, तो उस परंपरा को चलाने के लिए जाते थे। तो इस तरह से सारी चीज़ों का क्रम कब से शुरू हुआ? प्रभु आदिनाथ के समय से। तो ये श्रावक और साधु का संबंध कब से है? आपकी मेरी रिश्तेदारी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, कुछ लोग तो कह रहे हैं, कुछ कह रहे हाँ, क्योंकि जैसी रिश्तेदारी बनाई तो फिर सब निभाना पड़ेगी, रिश्तेदार तो रिश्तेदारी है, हैं? हाँ, अब जैसे अभी हमारे संजीव भैया कह रहे थे कि माता जी के दीक्षा दिवस में जाना, अभी रिश्तेदार होंगे तो आएंगे। कितने रिश्तेदार बैठे मेरे यहाँ पर, हाथ उठाकर बताना जरा, किस किस से रिश्ता है? भाई साहब आपसे नहीं है, है? अच्छा, हाँ देखो, एक रिश्ता होता है खून का, कि आपने घर में जन्म लिया तो जितने उससे संबंधित हैं वो आपके रिश्तेदार बन गए। और एक रिश्ता होता है शादी के बाद का, कि जिससे तुमने शादी करी तो उसके रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदार, और उसके रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदार, फिर वो सास ससुर वाला रिश्ता आ जाता है, मम्मियाँ सास, मौसी सास, हैं? पहले तो तुम्हारी मौसी थी, अब तुम्हारी, हाँ, वो कंट्रास्ट हो जाता है, तुम्हारा इनके लिए और इनका तुम्हारे लिए, है ना? लेकिन ये जो रिश्तेदारी है, ये रिश्तेदारी आत्मा की है।
तुम्हारी वो रिश्तेदारी कब तक है जब तक तुम उस घर में हो, लेकिन ये रिश्तेदारी कब तक है जब तक हम मोक्ष नहीं पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा कि देव सास गुरु से भी ऐसा प्रेम करना कि ये जन्म जन्म में तुम्हें वहां से निकाल के ले आए और तुम्हें मोक्ष तक साथ ले जाए। ये रिश्तेदारी ही असली रिश्तेदारी है जो अगले जन्म में भी तुम्हें सुखी करेगी और इस जन्म में भी सुखी कर रही है। लेकिन घर वालों की रिश्तेदारी कितना कर लेना घर के लिए, अंत में तो यही सुनने मिलना, क्या किया तुमने हमारे लिए, सारी जिंदगी लगा देना, सारा दिमाग लगा देना, सारी ऊर्जा लगा देना, सारी एनर्जी लगा देना, अंत में तो यही सुनने मिलेगा क्या किया तुमने हमारे लिए, हैं? तो इससे अच्छा है कि जो धर्म है धर्म की रिश्तेदारी को भी निभाते रहें, यानी प्रतिदिन मंदिर आते रहें, भगवान की पूजा करते रहें, आराधना करते रहें, संयम का पालन करते रहें, गुरुओं की सेवा करते रहें, आहार दान देते रहें, उनके प्रवचन सुनते रहें, हैं, इस तरह से उत्साहपूर्वक उनके कार्यक्रम को मनाते रहें, तो ये रिश्तेदारी ज़्यादा काम आएगी। अरे बोलिए ना। लेकिन बस मोह जहाँ होता है ना, अब ना भगवान से मोह है, ना शास्त्र से मोह है, ना गुरु से मोह है, बस हमारे हमारे माता जी हैं, हमारी महाराज जी हैं, हमारे बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब कहीं शादी हो और तुम्हारी उम्र 60 साल की है और कहीं पर दीक्षा दिवस मनाया जा रहा हो, अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, उन्हें भेजो शादी में, भाई 60 साल के हो गए, अब तो हम केवल धार्मिक कार्यक्रम में जाएंगे, शादी आदि के कार्यक्रम में जाने का हमारा तो त्याग है। क्या ऐसा किसी ने किया? चलो जवानी में निभाना पड़ता, निभा लिया, क्या बुढ़ापे में छोड़ा तुमने? चलो दीक्षा दिवस है और शादी है एक तरफ, अब कहाँ जाओगे? पड़ गई ना कमजोर रिश्तेदारी, कमजोर पड़ गई ना, हैं? हाँ, शादी में जाएंगे, वहाँ का डीजे, वहाँ का खाना, वहाँ की बोलचाल, वहाँ रिश्तेदार मिलेंगे, रात को 2-2 बजे तक बातें होंगी, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी, वो अपनी कहानी सुनाएंगी, कुछ अपनी दुख भरी, कुछ वो अपनी दुख भरी, कुछ अपनी सुख भरी, कब अपनी सुख भरी, अब सब क्या मज़ा आता है इन सब, यही तो किया है अनंत काल से, अनंत काल से किया क्या है, यही किया है अनंत काल से, इसलिए वहाँ मज़ा आ रहा है। और जो नहीं किया है उसमें अभी आनंद नहीं दिख रहा है, जबकि आनंद जितना धर्म में होता है उतना संसार में नहीं होता है। ये हमारा प्रैक्टिकल है। अब आप लोग तो पता नहीं कैसे अपना समय, जिंदगी कैसे खराब करते हैं, व्यर्थ की बातें कर करके, निंदा बुराई कर करके, घर में ईर्ष्या द्वेष कर करके, पता नहीं क्यों खराब करते। मुझे तो एक क्षण भी यदि मेरा व्यर्थ चला जाए तो मुझे ऐसा लगता है मेरा फालतू चला गया। यदि कोई मेरे से घर गृहस्थी की बातें करे आके तो मुझे लगता है, देखो ये मतलब थोड़ी देर के लिए लगता है मुझे कि मेरा समय खराब हो रहा है, तो अंदर मेरे कुछ और चलने लगता है कि चलो तुम्हें कहने के बाद संतुष्टि मिल रही है ना, चलो कोई बात नहीं, तुम तो कह लो, लेकिन मैं कितना सुन रही हूँ ये मेरे ऊपर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं कितना सुन रही हूँ ये मेरे ऊपर है। एक एक समय बड़ा कीमती है, बहुत छोटी सी जिंदगी मिली है। भगवान आदिनाथ की तो आयु 84 लाख पूर्व की थी, हमारे पास तो कुल 60-70 साल की जिंदगी है, और उसमें भी ये नहीं पता चलेगा कि कब टैंप बोल जाए, कब कहाँ अंतिम समय आ जाए, ये भी नहीं पता है। कोई गारंटी कार्ड भी नहीं आया कि 70 साल जिएंगे कि 60 साल जिएंगे। अरे बोलिए ना, एक एक क्षण सार्थक कर लो, अपना भविष्य बना लो, अपना अगला जन्म बना लो। आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है, आज से ही संकल्प ले लो कि स्वाध्याय करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, आहार दान देंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय धार्मिक में जाएगा हम करेंगे। और ये नहीं सोचना कि अभी तो हमारी खाने खेलने की उम्र है, छोड़ दो। भगवान आचार्य जिन सेन ने 8 साल में दीक्षा ले ली थी, कितने साल में? 8 साल में दीक्षा ले ली थी। अपने बच्चों को मंदिर लाओ, अभिषेक करवाओ, कितना अच्छा लग रहा था। आज इतने लोग अभिषेक कर रहे थे, इतने लोग विधान में बैठे, इतने लोग पाठ में बैठे, इतने लोग प्रवचन सुन रहे, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा है? धर्म में कितना सुख है वो लेना सीखो,
धर्म में जितना सुख है उतना संसार में सुख नहीं है। जिस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा ना, जब आंखें खुल जाएंगी तो ये लगेगा कितना समय मैंने खराब कर दिया। फिर हम वो समय वापस आने वाला नहीं है। जब जागे तभी सवेरा, करने लगो कम से कम दिन के 6 घंटे तो करना ही चाहिए। भगवान मोक्ष क्यों गए? आज के दिन भगवान मोक्ष गए थे ना, तो क्या संसार में सुख की कमी है जो उन्हें मोक्ष जाने की जल्दी पड़ी थी? अरे बोलिए ना, संसार में सुख, तुम्हारे घर में सुख की कमी है क्या? फ्रीज है, टीवी है, कूलर है, गाड़ी है, मकान है, कोठी है, बंगला है, दुकान है, सुख की कमी है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं है ना कमी। फिर काय को भगवान मोक्ष चले गए? टीवी का सुख कब तक है? जब तक आंखें खराब नहीं हुई है। और गाड़ी का सुख पांव खराब कर देगा। घर में लिफ्ट और लगने लगी आजकल। और जितना आप पांव को यूज नहीं करोगे उतने आपके पांव खराब हो जाएंगे। इससे सीढ़ियां चढ़ो, इससे पहाड़ चढ़ो, इससे पैदल चलो चढ़ो, आप पैर मजबूत कर लोगे अपने। और आपने छोटे छोटे बच्चों को आपने लिफ्ट दे दी है, उनके पांव गए। बिल्कुल सही कह रही हूँ, इसको आप वो मत मानना। लिफ्ट को तो लॉक कर दो अपने घर में आप भाई। जब कभी मेहमान आएंगे तो उनके लिए है, बूढ़े लोगों के लिए, जवानों के लिए नहीं है। बिल्कुल आलसी बना दिया इन मशीनों ने इंसान को। और इंसान को वो मशीनें आ गई तो ये मशीन खराब हो गई। वो मशीन खराब हो जाए तो इतनी टेंशन नहीं होती है, और इस ये मशीन खराब हो जाए तो बहुत टेंशन होती है। उसे कहते बीमारी। ये बीमारी के सारी चीजें अपने घर में ला ला के भर भर के और अपने आप को बड़ा समझते हो। एक लड़की ऐसे घर में है जहां नौकर चाकर नहीं है, और एक लड़की ऐसे घर में है जहां नौकर चाकर हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। तो आप किसकी तरफ से निश्चिंत हो? जिसके घर में, अरे वो तो बहुत अच्छे घर में है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता। और वो मेरी लड़की दूसरी वाली है ना, गांव में है, उसे पानी भी खींचना पड़ता, उसे बर्तन भी मांजने पड़ते, उसे कपड़े धोने की मशीन भी नहीं है, उसके हाथ से कपड़े धोती है। दुखी रहोगे ना? अच्छा, 15 साल बाद अरे बोलिए ना, 15 साल बाद किसकी टेंशन करोगे? सुखी वाली की तरफ से दुखी हो जाओगे और दुखी वाली की तरफ से सुखी हो जाओगे, हाँ या ना? तो आज भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक है। आप मंदिर आओ, पैदल आओ, गाड़ी से नहीं आओ, पैदल आना है ना। मंदिर में 108 परिक्रमा लगाओ, कम से कम वैसे चलने नहीं मिलता आपको, आप परिक्रमा लगाना शुरू कर दो कि सप्ताह में एक दिन हम मंदिर में परिक्रमा लगाएंगे। लगा सकते हो मंदिर सप्ताह में एक दिन, रोज नहीं, सप्ताह में एक दिन, कोई भी दिन चुन लो, है ना, उठाइए हाथ। सप्ताह में एक दिन 108 परिक्रमा लगाना भगवान की। उस समय आप नमोकार मंत्र पढ़ लो, उस समय आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छे से हाथ उठाइए, मैं देख रही हूँ। और यदि इन निमित्तों का उपयोग कर लिया तो जीवन सार्थक, वरना तो फिर पापों में जिंदगी जा ही रही, कषायों में, पापों में जिंदगी जा ही रही है। और ऐसे निमित्त मिलते रहें तो कार्यक्रम होते रहे। अब 4 तीर्थंकर तो है ना, चंदा प्रभु, आदिनाथ, महावीर और पार्श्वनाथ। 4 तीर्थंकर यदि अपने साल में 4 बार भी अखंड पाठ कर लिया, सोचो आपने कितना अच्छा काम कर लिया। हो सकता है क्या चारों मंदिर की कमेटी बैठी है क्या? पहली बार मंदिर में जगह कम पड़ गई नहीं तो बनाते समय लग रहा होगा ये तो मंदिर बहुत बड़ा सा बन गया है, आज लग रहा कि छोटा बन गया है। ऐसे कार्यक्रम आप साल में 2 बार करें ताकि सारी समाज यहाँ पर आए, है ना। हाँ, आपने भोजन वोजन भी रखा है? नहीं नहीं, हंसने वाली बात नहीं है भैया। जब यहाँ सुबह से बैठे रहेंगे तो भोजन की भी तो व्यवस्था चाहिए पड़ेगी, तो एक बार तालियां बजाओ, आपके भोजन की व्यवस्था भी यहीं पर है। हाँ, ये सुख के क्षण होते हैं, ये सुख के क्षण होते हैं कि हम मंदिर में बैठे हैं
तो भी सुखमय है, और फिर उसके बाद जब जाके वहाँ नमो से धारण करेंगे तो भी सुख है तो है भाई, उसमें क्या बात है, इसकी जरूरत तो है ना जीवन में, है ना। ऐसे चारों मंदिर में हो, और अभी आपके 14 तारीख को भी प्रोग्राम है, अभी श्री चक्र विधान भी हो रहा है ना, तो आप जितने कार्यक्रम होते हैं सब में आगे रहें बिल्कुल, और जितना पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं उतना पुण्य इकट्ठा करें, ये ही तुम्हारे काम आएगा, कोई काम आने वाला नहीं है। तो समय हो गया है, तो आप दीक्षा लेंगे क्या? किन किन की भावना है दीक्षा लेने की? जो भगवान का पंच कल्याणक मनाएगा, जो दीक्षा दिवस मनाएगा, वो अपने दीक्षा दिवस को सार्थक करेगा, यानी प्रशस्त करेगा मार्ग। और कम से कम दीक्षा नहीं ले सकते तो दीक्षा दिवस तो दीक्षा नहीं ले सकते तो कम से कम दीक्षा कल्याणक तो मना ही सकते हैं। और पंच कल्याणक के व्रत करना आप लोग, पंच कल्याणक के व्रत बहुत अच्छे होते हैं, हैं गर्भ कल्याणक, जन्म तप ज्ञान, पंच कल्याणक के व्रत होते, अपने जीवन में जरूर करना। एक नमोकार मंत्र के व्रत, एक पंच कल्याणक के व्रत और एक कर्म दहन के व्रत, ये तीन व्रत जरूर करना। कर्म दहन की किताब अभी मेरे पास में है, तो कर्म दहन के व्रत, पंच कल्याणक और नमोकार, तीन व्रत अपने जीवन में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भले आप उपवास से नहीं कर सकते हैं, एकासन से करें, मगर करें जरूर। हाँ, एकासन से कर लें तो 35 होते हैं नमोकार के, कर्म 8 होते हैं, और 8 कर्म की 148 प्रकृतियाँ होती हैं, तो कर्म दहन के हैं 148। धीरे धीरे करते ना, जीवन चल रहा है, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अष्टमी चौदस ले लो, उसमें लिखा हुआ है सारा। और पंच कल्याणक के, जैसे एक तीर्थंकर के 5 कल्याणक, तो 24 तीर्थंकर के 120 कल्याणक, है ना। तो ऐसे 120 व्रतीय हो जाएंगे तो कम से कम 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, हो तो जाएंगे। इसलिए करना ज़रूरी है व्रत अपने जीवन में, ठीक है। चलिए, मैं तीन चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व। और मैंने अभी वीरेंद्र जी और क्या क्या नाम है, महेंद्र जी, राजेश जी, मनोज जी, अभी बात हुई मेरी कि आप ये ऐसा कार्यक्रम हर साल करेंगे, और उन्होंने स्वीकृति दी है कि ऐसा मोक्ष कल्याणक हम हर साल मनाया करेंगे। और आसपास में कोई साधु हो तो आप उनको लेके आ जाया करो, ताकि साधु के सानिध्य में हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। तो आप जाके निवेदन करो कि हम ये कल्याणक मनाना चाहते हैं, आप चलो हमारे यहाँ पर, तो आप निवेदन करके ले आना। और नहीं हो तो भी आपको ये कार्यक्रम तो, अरे बोलिए ना, सभी कभी विद्यालय सभी लड्डू ले लेंगे। देखो सभी के पास लाडू पहुंच गया, जब अमीना भगवान ने की कैलाश पर्वत से 10,000 मुनियों के साथ मोक्ष पधारे, उनके पावन चरणों में भक्ति भाव से, श्रद्धा से, मोक्ष जाने की भावना से, अनंत सुख प्राप्त करने की भावना से शरणं पवजामि केवलिप्नत्तं तं मम शरणं पवजामि।
बार आने को मन करता है, भविष्य में बाबा हमें जल्दी बुलाए, ऐसी हमारी कामना है। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज को।